प्राइज मनी फुटबॉल टूर्नामेंट का हुआ समापन। जालंधर ने केरला को फाइनल में 9-8 से दी शिकस्त। अधिवक्ताओं ने किया सदर तहसील में प्रदर्शन। लेखपाल द्वारा की गई अधिवक्ताओं की पिटाई का जताया विरोध। कोर्ट में खाज का काम किया लेखपाल और कलेक्ट्री अधिवक्ता के बीच का विवाद। बिजली मूल्य के विरोध में आम आदमी पार्टी ने शास्त्री चौक पर किया प्रदर्शन। 7वें वेतनमान लागू किए जाने की मांग को लेकर परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने दिया धरना। सेंट एंड्रयूज कॉलेज में आयोजित हुई क्रिसमस डे महोत्सव। जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने कैंपियरगंज तहसील की अव्यवस्थाओं को देखकर जताई नाराजगी, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर विश्वविद्यालय की छात्राओं ने लगाया मनमोहक हस्तशिल्प, नूतन वर्ष बधाई पत्र प्रदर्शनी। शासन के आश्वासन के बाद 2 माह से चल रहे आंगनबाड़ियों का धरना हुआ स्थगित। मांग पूरी नहीं होने पर 9 जनवरी से पुनः जारी होगा आंदोलन। और त्योहारों और परीक्षाओं के मद्देनजर 4 फरवरी तक सभी थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू।